अज़ीज़ तलबा व तालिबात, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक का लेसन द टेम्पेस्ट के मार्जिन क्वेश्चंस और इंग्लिश वर्कशॉप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द मार्जिन क्वेश्चन एंड द फर्स्ट मार्जिन क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉस्पेरो एंड हिज ब्रदर एंटोनियो, के प्रॉस्पेरो और उसके भाई एंटोनियो के बीच में क्या फ़र्क था। तो आंसर इसका, प्रॉस्पेरो वाज अ स्टूडियस एंड लर्न स्कॉलर, के प्रॉस्पेरो एक पढ़ा लिखा और जानकार स्कॉलर था। एंड ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम रीडिंग बुक्स, और वो अपना ज़्यादातर टाइम किताबें पढ़ने में गुजारता था। एंड ही वॉज अ जेंटलमैन, और वो एक शरीफ इंसान था। वाइल हिज ब्रदर एंटोनियो मैनेज द बिजनेस ऑफ रूलिंग हिज ड्यूकडम, जबकि उसका भाई एंटोनियो उसके ड्यूकडम के रूलिंग के बिजनेस मैनेज करता था। एंड ही वॉज अ ट्रीचरस मैन, और वो एक धोखेबाज इंसान था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इवल डीड डिड एंटोनियो डू टू बिकम अ ड्यूक हिमसेल्फ, कि वो ऐसा बुरा काम क्या था जिसको के एंटोनियो ने किया खुद से ड्यूक बनने के लिए। तो आंसर इसका, एंटोनियो अलोंग विथ अलोंसो द किंग ऑफ नेपल्स टुक प्रॉस्पेरो टू सी फार फ्रॉम लैंड, के एंटोनियो ने किंग ऑफ नेपल्स अलोंसो के साथ में प्रॉस्पेरो को ज़मीन से दूर समंदर में ले गए। एंड पुट प्रॉस्पेरो एंड हिज बेबी डॉटर मिरांडा इनटू अ ब्रोकन ओल्ड बोट, और उसके बाद में उन्होंने उसकी छोटी बच्ची मिरांडा को एक टूटी हुई पुरानी सी बोट में रख दिया। एंड सेल्ड अवे, और वहाँ से चले गए। दस एंटोनियो मैनेज टू टेक ओवर द ड्यूकडम ऑफ मिलान, तो इस तरह एंटोनियो ने मिलान की ड्यूकडम पर अपना कब्जा कर लिया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैड द फेथफुल लॉर्ड गोंजालो डन टू हेल्प प्रॉस्पेरो, के गोंजालो जो कि एक फेथफुल लॉर्ड था, तो उसने प्रॉस्पेरो की मदद करने के लिए क्या किया। तो आंसर इसका, गोंजालो हैड सीक्रेटली प्लेस्ड इन द बोट फ्रेश वाटर फूड एंड क्लॉथ्स, के गोंजालो ने चुपके से या सीक्रेटली नाव में बोट में फ्रेश वाटर खाना और कपड़े रख दिए थे। एंड अलॉन्ग विद देम, और उनके साथ साथ प्रॉस्पेरोस मोस्ट वैल्यूड पोजिशन हिज बुक, और उसके साथ साथ जो प्रॉस्पेरो की सबसे कीमती पोजिशंस थी, मिल्कियत थी, वो उसकी बुक थी, तो वो भी उसने साथ में रख दिया था। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट गुड डीड डिड प्रॉस्पेरो डू ऑन द इंचेंटेड आइलैंड, के इंचेंटेड आइलैंड पे वो कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ है जो कि प्रॉस्पेरो ने किया। आंसर इसका, ही सेट फ्री द स्पिरिट्स दैट वर इम्प्रिजन बाय ईविल विच सिकोरेक्स, के उसने सिकोरेक्स जो एक ईविल विच थी उसके ज़रिए बंदी बनाए गए, कैदी बनाए गए जितनी भी स्पिरिट्स थी, रूहे थी, आत्मा थी, तो उनको उसने आज़ाद कर दिया। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वाज एरियल, कि एरियल कौन था या कौन थी। तो आंसर इसका, एरियल वाज द चीफ ऑफ इम्प्रिजन स्पिरिट्स, के एरियल जितनी भी कैदी और बंदी बनाई गई स्पिरिट्स थी तो उनकी चीफ थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु ऑल वर सेलिंग इन द शिप क्लोज टू द इंचेंटेड आइलैंड, कि वो कौन लोग थे जो के इंचेंटेड आइलैंड से करीब अपने जहाज़ को चला रहे थे। तो आंसर इसका, अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स, हिज ब्रदर सिबास्टियन एंड एंटोनियो, प्रिंस फर्डिनांड ऑफ नेपल्स एंड गोंजालो वर सेलिंग इन द शिप क्लोज टू द इंचेंटेड आइलैंड, के इंचेंटेड आइलैंड के करीब अलोंसो किंग ऑफ नेपल्स, उनका भाई सिबास्टियन और एंटोनियो, और नेपल्स का शहजादा फर्डिनांड और गोंजालो जहाज़ चला रहे थे। सेवन्थ क्वेश्चन है, फॉर व्हाट टू रीज़न डिड प्रॉस्पेरो रेज अ ग्रेट टेम्पेस्ट, के किन दो वजूहात की बिना पर या किन दो वजह से प्रॉस्पेरो ने ग्रेट टेम्पेस्ट को उठाया था। तो आंसर इसका, प्रॉस्पेरो रेज्ड अ ग्रेट टेम्पेस्ट फॉर टू रीज़न, के प्रॉस्पेरो ने जो ग्रेट टेम्पेस्ट है, बड़ा सा तूफान है, तो उसको दो वजह से उठाया था। फर्स्ट है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ हर डॉटर, के अपनी डॉटर के इंटरेस्ट में, और सेकंड है टू ब्रिंग हिज एनिमीज अलोंसो एंड सिबास्टियन विद इन हिज पावर, ताकि वो उसके एनिमीज, उसके दुश्मन अलोंसो सिबास्टियन को अपने पावर में ला सके। एट क्वेश्चन है, हाउ डिड फर्डिनैंड
गेट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर, के फर्डिनांड अपने बाप से कैसे अलग हो गया? तो आंसर इसका, फर्डिनांड जंप्ड इनटू द सी, के फर्डिनांड समंदर में कूद गया था, एंड बिलीव दैट ऑल द अदर पैसेंजर्स डाइड इन द शिपरेक, और उसको ऐसा यकीन हो गया था कि जितने भी दूसरे पैसेंजर्स हैं तो वो शिपरेक में जहाज के टकराव में मर गए हैं, एंड दस गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज फादर, इस तरह वो अपने बाप से अलग हो गया। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड फर्डिनांड एंड मिरांडा रिएक्ट ऑन सीइंग ईच अदर, के फर्डिनांड और मिरांडा ने एक दूसरे को देखकर कैसे रिएक्ट किया? तो आंसर इसका, मिरांडा वॉज थ्रिल्ड टू सी सच हैंडसम प्रिंस, के मिरांडा एक ऐसे हैंडसम प्रिंस को देखकर बहुत हैरतज़दा हो गई थी, एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ फर्डिनांड वॉज अस्टोनिश्ड टू सी सच अ ब्यूटिफुल यंग गर्ल इन अ डेसोलेट प्लेस लाइक द आइलैंड, के दूसरी तरफ तो फर्डिनांड भी बहुत हैरतज़दा हुआ एक इतनी खूबसूरत यंग लड़की को एक ऐसे अकेले प्लेस जो आइलैंड था उस पर देखकर, एंड ही थॉट दैट शी इज़ अ गॉडेस, और उसने ये सोचा कि ये कोई गॉडेस है। टेंथ क्वेश्चन है, व्हाट गिव्स प्रॉस्पेरो अ सीक्रेट प्लेजर, के किस चीज़ ने प्रॉस्पेरो को एक सीक्रेट प्लेजर, एक सीक्रेट खुशी दी थी? तो आंसर इसका, प्रॉस्पेरो वॉज सीक्रेटली प्लीज टू सी दैट बोथ फर्डिनांड एंड मिरांडा गेज्ड एट ईच अदर इन वंडर एडमिरेशन एंड लव, के प्रॉस्पेरो को सीक्रेटली बहुत खुशी हुई ये देखकर के फर्डिनांड और मिरांडा एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं हैरानी से, तारीफ भरी नज़रों से और प्यार भरी नज़रों से। एलेवंथ क्वेश्चन है, हाउ डिड एरियल सेव किंग एलोंसोज लाइफ, के एरियल ने किंग एलोंसो की कैसे जान बचाई? तो आंसर इसका, एंटोनियो वॉज प्लानिंग टू किल द किंग एलोंसो सो दैट हिज ब्रदर सेबास्टियन कुड बिकम द किंग, के एंटोनियो ये प्लान कर रहा था कि वो किंग अलोंसो को मार दे ताकि उसका भाई सेबास्टियन बादशाह बन सके, बट एरियल वोक अप द किंग अलोंसो एंड सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन एरियल ने किंग अलोंसो को जगा दिया और उसकी जान बचा दी। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, व्हाट सरप्राइज अवेटेड किंग अलोंसो व्हेन प्रॉस्पेरो ड्रू बैक द कर्टेन, के कौन सा सरप्राइज किंग अलोंसो का वेट कर रहा था जबकि प्रॉस्पेरो ने पर्दे को हटाया? तो आंसर है इसका, किंग अलोंसो बिलीव्ड दैट हिज सन फर्डिनांड डाइड इन द स्टॉर्म, के किंग अलोंसो को ऐसा यकीन हो गया था कि उसका लड़का फर्डिनांड स्टॉर्म में मर गया है, बट व्हेन प्रॉस्पेरो ड्रू बैक अ कर्टेन फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ हिज केव, लेकिन जब प्रॉस्पेरो ने अपने केव की एंट्रेंस से पर्दे को हटाया, इनसाइड दे सॉ फर्डिनांड एंड मिरांडा हैप्पीली प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, तो उन लोगों ने अंदर देखा कि फर्डिनांड और मिरांडा खुशी खुशी चेस का गेम खेल रहे हैं, एंड दैट वॉज अ सरप्राइज फॉर किंग अलोंसो, और ये किंग अलोंसो के लिए एक सरप्राइज था। 13th क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर प्रॉस्पेरो टू गिव अप द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, कि क्या वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से प्रॉस्पेरो ने मैजिक की प्रैक्टिस छोड़ दी थी? तो आंसर इसका, प्रॉस्पेरो माइट हैव गिवन अप द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, के प्रॉस्पेरो ने मैजिक की प्रैक्टिस करना छोड़ दिया था या मैजिक करना छोड़ दिया था, बिकॉज ही हैज़ ओवरकम ऑन हिज एनिमीज, क्योंकि उसने अपने एनिमीज अपने दुश्मनों पर गलबा पा लिया था, उसने उनको हरा दिया था, एंड ऑल हिज सॉरोज एंड वरीज वर गॉन, और उसके जितने गम और उसके जितनी भी परेशानियां थी तो वो सब ख़त्म हो गई थी, सो ही नो लॉन्गर नीडेड हिज मैजिकल पावर्स, तो उसको अपने मैजिकल पावर्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। 14th क्वेश्चन है, रीटेल द हैप्पी एंड इन योर ओन वर्ड्स, के जो हैप्पी एंडिंग्स आई है तो उसको अपने खुद के अल्फाज में आपको लिखना है या कहना है? तो आंसर इसका, प्रॉस्पेरो रिटर्न बैक टू मिलान, के प्रॉस्पेरो मिलान में वापस चला गया, एंड ही वॉज वेलकम्ड बाई हिज पीपल विद ग्रेट जॉय एंड लव, और वो अपने लोगों के ज़रिए उसका बहुत स्वागत किया गया, इस्तकबाल किया गया बहुत खुशी और प्यार के ज़रिए। ही ब्रोक हिज मैजिक स्टिक, और उसने अपनी जो जादू की छड़ी थी उसको तोड़ दिया, एंड गेव अप हिज प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, और अपने जो मैजिक की प्रैक्टिस थी मैजिक करना था उसको छोड़ दिया। ही ऑल्सो फॉरगिव हिज एनिमीज,
दो दे हैव डन मैनी रॉन्ग थिंग्स टू हिम, और उसने अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया अगरचे उन लोगों ने उसके साथ में बहुत बुरा किया था। एंड ही डिड नॉट टेक एनी रिवेंज, और उसने कोई बदला नहीं लिया। नाउ वी विल स्टार्ट द इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चंस, एंड द फर्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन इज राइट डाउन द रिलेशन बिटवीन द कैरेक्टर्स गिवन बिलो, के नीचे आए हुए जितने भी कैरेक्टर्स हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशन है आपको लिखना है। और एग्जांपल के तौर पे हमको ए बताया गया है कि प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा, तो प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा फादर एंड डॉटर। तो बी है प्रॉस्पेरो एंड एंटोनियो, तो ये दोनों भाई थे, ब्रदर्स। सी है गोंजेलो एंड प्रॉस्पेरो, ये गोंजेलो और प्रॉस्पेरो, तो गोंजेलो कोर्टियर था यानी उसका एक दरबारी था, एंड प्रॉस्पेरो वॉज अ ड्यूक। डी है सिकोरेक्स एंड कैलिबान, तो सिकोरेक्स मदर थी एंड कैलिबान वॉज सन। ई है अलोंसो एंड सिबास्टियन, तो ये दोनों भाई थे यानी ब्रदर्स। और एफ है अलोंसो एंड फर्डिनैंड, तो अलोंसो फादर है और फर्डिनैंड उसका सन यानी बच्चा है। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड टू सपोर्टिंग पॉइंट्स फ्रॉम द स्टोरी टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी नीचे जो फैक्ट्स आए हैं तो उसको प्रूव करने के लिए, उसको साबित करने के लिए हमको स्टोरी से दो सपोर्टिंग पॉइंट्स फाइंड करना है, तलाश करना है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है या फैक्ट है वो है एंटोनियो वाज अ डिसलॉयल एंड डेंजरस मैन, के एंटोनियो एक धोखेबाज, बेवफा और ख़तरनाक इंसान था। तो इसका फर्स्ट सपोर्टिंग पॉइंट है ही ट्राइड टू किल हिज ओन ब्रदर प्रॉस्पेरो टू बिकम द ड्यूक, कि उसने अपने खुद के भाई प्रॉस्पेरो को मारने की कोशिश की ताकि वो ड्यूक बन सके। और बी है ही ट्राइड टू किल द किंग अलोंसो सो दैट हिज ब्रदर सिबास्टियन कैन बिकम द किंग, के उसने किंग अलोंसो को मारने की कोशिश की ताकि उसका भाई सिबास्टियन बादशाह बन सके। सेकंड फैक्ट है गोंजेलो वॉज लॉयल टू द राइटफुल ड्यूक, के गोंजेलो जो राइटफुल ड्यूक था तो उसका लॉयल था, उसका वफादार था। तो उसका फर्स्ट सपोर्टिंग पॉइंट है ए ही पुट वाटर फूड एंड क्लॉथेस इन द बोट ऑफ ड्यूक प्रॉस्पेरो, के उसने पानी, खाना और कपड़े ड्यूक प्रॉस्पेरो के बोट में रख दिया। और बी है ही आल्सो पुट प्रॉस्पेरोज मोस्ट वैल्यूज पोजिशन हिज बुक्स इन द सेम बोट, और उसने प्रॉस्पेरो की जो सबसे कीमती पोजिशन, सबसे कीमती मिल्कियत थी यानी उसकी बुक्स, तो वो उसने उसी बोट में रख दी थी। थर्ड फैक्ट है प्रॉस्पेरो वाज अ ग्रेट मैजिशियन, के प्रॉस्पेरो एक ग्रेट मैजिशियन था यानी बहुत बड़ा जादूगर था। तो ए है इसका ही सेट फ्री द स्पिरिट्स दैट वर इम्प्रिजेंट बाय विच सिकोरेक्स इन द आइलैंड, के उसने जादूगरनी या चुड़ैल सिकोरेक्स के जरिए आइलैंड में जितने भी स्पिरिट्स थी, जितनी भी आत्माएँ रूहें थी, तो उनको उसने आज़ाद कर दिया था। और बी है ही क्रिएटेड अ ग्रेट टेम्पेस्ट इन द सी, के उसने समंदर में एक बड़ा सा टेम्पेस्ट बनाया था। फोर्थ फैक्ट है मिरांडा वॉज वेरी काइंड हार्टेड, के मिरांडा एक नर्म दिल लड़की थी। तो इसको प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट फैक्ट आ रहा है वो है शी बेग्ड हर फादर टू स्टॉप द स्टॉर्म, के उसने अपने बाप से स्टॉर्म रोकने की इल्तिजा की या स्टॉर्म रोकने की विनती की। और बी है शी बेग्ड हर फादर टू हैव मर्सी ऑन द पीपल हु वर इन द शिप स्टक इन द स्टॉर्म, के उसने अपने फादर से उन लोगों पर रहम करने की विनती की, इल्तिजा की, जो कि शिप में थे और स्टॉर्म में फंसे हुए थे। फिफ्थ है एरियल वॉज वेरी फेथफुल टू प्रॉस्पेरो, के एरियल प्रॉस्पेरो की बहुत फेथफुल थी। तो इसको प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एरियल ओबीडियंटली केप द वॉच ऑन कैलिबान द सन ऑफ विच सिकोरेक्स एंड इंश्योर्ड दैट ही कैरीड आउट हिज टास्क प्रॉपरली, के एरियल ने ओबीडियंटली कैलिबान पर वॉच रखी यानी उसके ऊपर नज़र रखती रही, जो कि जादूगरनी या चुड़ैल सिकोरेक्स का लड़का था, एंड इंश्योर्ड, और उसने इस बात को यकीनी बनाया कि वो अपना काम प्रॉपरली करते रहे। और जो सेकंड पॉइंट है वो है एरियल ऑलवेज फॉलोड द ऑर्डर्स ऑफ प्रॉस्पेरो, के एरियल प्रॉस्पेरो के हर ऑर्डर को फॉलो किया करती रही। हमने ये टेक्स्ट में कई बार देखा कि एरियल हमेशा प्रॉस्पेरो की बात को माना करती थी।
और सिक्स पॉइंट है या सिक्स फैक्ट है, द स्टोरी द टेम्पेस्ट हैज़ अ हैप्पी एंडिंग, के जो टेम्पेस्ट स्टोरी है तो वो एक हैप्पी एंडिंग रखती है। तो इसको प्रूव करने के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ए प्रॉस्पेरो रिटर्न बैक टू हिज ड्यूकडम हैप्पीली, के प्रॉस्पेरो अपने ड्यूकडम पे हैप्पीली खुशी खुशी वापस चले गया। और बी है प्रॉस्पेरोज डॉटर मिरांडा एंड किंग अलोंसोज सन फर्डिनांड मैरिड हैप्पीली एट द एंड, के प्रॉस्पेरो की जो लड़की थी मिरांडा और किंग अलोंसो का जो लड़का था फर्डिनांड, उन दोनों की आखिरी में खुशी खुशी शादी हो गई। थर्ड क्वेश्चन है हु सेड टू हु एंड व्हेन, के किसने ये नीचे आई हुई बात कही, किससे कही और कब कही। जो फर्स्ट सेंटेंस है वह है स्पीच एंड यू शैल बी माय क्वीन, कि तुम मेरी रानी बनोगी। तो हु सेड ये फर्डिना ने कहा, टू हु मिरांडा से कहा था, व्हेन कब कहा था। मिरांडा आस्क्ड हर फादर टू हैव मर्सी ऑन फर्डिना, के मिरांडा ने अपने बाप से ये कहा था कि वो उस पर मर्सी करे यानी उस पर रहम करे इस फर्डिनांड पर, एंड ही डिड सो, और उसने ऐसा ही किया। बट प्रॉस्पेरो मेड हिम वर्क, लेकिन प्रॉस्पेरो उसको काम करने लगा रहा था यानी फर्डिनांड को। एंड वन ही वाज वर्किंग इन अ केव, और जब वो एक केव में काम कर रहा था, ही सेड इट टू मिरांडा, तो उसने ये बात जो ऊपर आई है तो वो मिरांडा से कहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है फॉलो मी आई शैल टाई यू अप, के मेरे पीछे पीछे आओ मैं तुमको बांध दूंगा। तो ये कहा था प्रॉस्पेरो ने, टू हुम किससे कहा था, फर्डिनांड से कहा था, और कब कहा था, व्हेन ही अक्यूज्ड हिम ऑफ बीइंग अ स्पाई ऑन द आइलैंड, जब उसने उसको आइलैंड पे जासूसी करने का इल्ज़ाम लगाया था। स्पीच है नेक्स्ट प्लीज प्लीज क्वेल द स्टॉर्म नाउ, ये किसने कहा था, ये मिरांडा ने कहा था, टू हुम किससे कहा था, प्रॉस्पेरो से, व्हेन कब कहा था, व्हेन शी सॉ दैट देयर वर सम पीपल इन द स्टॉर्म, के जब उसने ये देखा कि कुछ लोग उस स्टॉर्म में है। नेक्स्ट स्पीच है आई हैव सर्व यू फेथफुली ऑल दीज ईयर, मैंने तुम्हारी बहुत फेथफुली सर्व किया है इन तमाम सालों में। तो ये एरियल ने कहा था, टू हुम किससे कहा था, प्रॉस्पेरो से कहा था, व्हेन कब कहा था, व्हेन प्रॉस्पेरो ऑर्डर्ड हर टू ब्रिंग फर्डिनांड टू हिम, के जब प्रॉस्पेरो ने उसको ये हुक्म दिया, ये ऑर्डर दिया कि वो फर्डिनांड को वहाँ पर लेकर आए या उसके पास लेकर आए। नेक्स्ट स्पीच है आई हैव बीन ड्यूली पनिश्ड फॉर माय सिन, तो ये किसने कहा था, ये किंग अलोंसो ने कहा था, टू हुम किससे कहा था, प्रॉस्पेरो से कहा था, व्हेन कब कहा था, व्हेन किंग अलोंसो आस्क्ड प्रॉस्पेरो फॉर हिज फॉरगिवनेस व्हेन ही रिवील्ड हिमसेल्फ इन हिज ओन फॉर्म, किंग अलोंसो ने प्रॉस्पेरो से माफ़ी मांगी उस वक्त जबकि उसने अपने आप को यानी प्रॉस्पेरो ने अपने आप को अपने खुद के फॉर्म में सामने ला दिया या रिवील कर दिया था। नेक्स्ट स्पीच है व्हाट आई हैव डन नाउ इज इन योर इंटरेस्ट, के अभी मैंने जो कुछ भी किया है तो वो तुम्हारे इंटरेस्ट में है। तो ये कहा था प्रॉस्पेरो ने, टू हुम मिरांडा यानी मिरांडा से कहा था, व्हेन कब कहा था, व्हेन मिरांडा आस्क्ड हर फादर टू हैव मर्सी ऑन द पीपल हु वर इन द स्टॉर्म, कि जब मिरांडा ने अपने बाप से मर्सी के लिए कहा था उन लोगों पर जो कि स्टॉर्म में थे। नेक्स्ट स्पीच है मोस्ट श्योर शी इज़ द गॉडेस ऑफ द आइलैंड, ये किसने कहा था, ये फर्डिनांड ने कहा था, टू हुम किससे कहा था, फर्डिनांड से, यानी इसने अपने आप से कहा था, और कब कहा था, व्हेन ही सॉ द ब्यूटीफुल गर्ल मिरांडा ऑन द लोनली आइलैंड, जबकि उसने ब्यूटीफुल गर्ल मिरांडा को एक अकेले तने तनहा आइलैंड पे देखा। फोर्थ क्वेश्चन है मैच द पैराग्राफ इन कॉलम ए विद देयर सूटेबल टाइटल्स इन कॉलम बी, के कॉलम ए के जितने पैराग्राफ है तो उनको मैच करना है कॉलम बी के उनके सूटेबल टाइटल के साथ में। ओनली द फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स ऑफ द पैराग्राफ्स आर गिवन इन कॉलम ए टू आइडेंटिफाई इट, जो कॉलम ए में जितने पैराग्राफ्स आए हैं तो उस पैराग्राफ के जो शुरू के कुछ वर्ड्स हैं और एंड के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ताकि हम उसको पहचान सकें। तो ए कॉलम में पैराग्राफ्स है और बी कॉलम में उसके टाइटल है। तो फर्स्ट है नाउ एंटोनियो वाज ट्रीचरस मैन डैश डैश इट्स वेल्थ एंड पावर, तो इस पैराग्राफ का नाम है या इसका टाइटल है प्रॉस्पेरो लूजेस हिज ड्यूकडम।
और सेकंड है इन द वुड्स नियर बाय प्रॉस्पेरो डैश डैश हिज टास्क प्रॉपरली। तो इसका टाइटल है एफ कैलिबान सर्व्स प्रॉस्पेरो। थर्ड है नोविंग दैट हिज एनिमीज वर नियर डैश 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 ऑल पीपल ऑन बोर्ड। तो इसका जो टाइटल है वो है ए प्रॉस्पेरो क्रिएट्स अ स्टॉर्म। और फोर्थ है हैविंग नरेटेड हिज स्टोरी प्रॉस्पेरो डैश डैश डाउन विद द शिप। तो इसका टाइटल है बी एरियल रिपोर्ट्स अबाउट द स्टॉर्म। और फिफ्थ है मैनी मोर ट्रिक्स डिड एरियल प्ले डैश डैश टच द फूड। तो सी इसका करेक्ट टाइटल है वो है एरियल इज अ मिस्चीवियस स्प्रिट। मिस्चीवियस माने होता है शरारती, यानी एरियल एक शरारती स्प्रिट थी। और सिक्स्थ है दस आफ्टर मैनी ईयर्स डैश डैश वेरी नोबली फॉरगिव देम। तो इसका करेक्ट टाइटल है ई मिलान वेलकम्स प्रॉस्पेरोज रिटर्न। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन और आंसर आएंगे तो आप लोगों ने उसको समझ भी लिया होगा और नोट कर लिया होगा। अगर फिर भी आप लोगों का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो इन्हें ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।